अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो गया अच्छा है आप लोग। अभी हम लोग उठे हम और हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाना था। तो अभी बज रहा है एक, अभी एक रात बज रहा है। देख रहे कोई भी नहीं उठा, हमने नहाया होया पहले उठा तो 12 करीब करीब बज रहा था। आज पूरा रात ही नींद नहीं है यार, पता ना क्यों पूरी रात नींद नहीं आया। मैं सोया ही नहीं, उठ के कभी फ़ोन चलाया, कभी फिर उठा सोया, करते करते नींद नहीं आया। 12 बजा, फिर 12 बजे मैं नहा धोया के वजू वजू करके करते करते 12:30 करीब करीब हो गया। उसके बाद हमने निकला मस्जिद के लिए। तो हमारे साथ थे हमारे एक रूममेट सौरभ भैया, तो हम वो आगे निकल गए। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया ना आने वाने में। तो अभी देख सकते हैं हम जा रहे हैं सीढ़ी से, और हमारे थर्ड फ्लोर पर हम रहते थे। तो अभी हम जा रहे हैं, तो हम गए डायरेक्ट बाहर निकल रहे हैं। अभी हम रूम से बाहर, हमारा ये कैंप है सऊदी अरबिया का, जो हमारी कंपनी है वो दिए। और ये टैंकी वाला भाई पानी भर रहा था कि हम लोग का, देख ही सकते हैं आप। फिर हम सोचे कि नहीं दिखे वो किधर भी, इधर आ गए सामने, इतना जल्दी चले गए क्या? फिर मैं सोचा कि कहीं सीढ़ी के नीचे ही तो नमाज नहीं पढ़ रहे वो। तो फिर हमने रिटर्न गया और देखा तो पता लगा कि नहीं, वो तो चले गए मस्जिद में। तो फिर हमने भी तेज़ी तेज़ी से कदमों से गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पे भी हम लोग सारे आदमी नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारी कंपनी के बस है जो जल्दी निकलती है। तो फिर तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है मस्जिद में, इसीलिए हम लोग यहीं पे नमाज़ पढ़ के जल्दी जल्दी निकल चलते हैं, या लेट उठ हो जाता है ड्यूटी से आने में, तो वहीं सीढ़ी के नीचे हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, देख रहे हैं पूरा एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं। अभी जो भी है सऊदी लोग, तो वो लोग भी गाड़ी उड़ी से आए थे नमाज़ पढ़ने, तो वो लोग भी देख सकते हैं आगे गाड़ी आएगी। अभी 2-3 गाड़ियाँ आई है, वो भी मस्जिद के पास ही जा रही है। वो सामने उधर मस्जिद हरा सा मीनार दिख रहा होगा आपको। तो हम सोचे कि साइड से निकल लेते हैं बीचा बीची। तो कल बारिश ज़्यादा हुआ था, जब तक हम लोग उधर गए देखा तो बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था, कीचड़ हुआ था। तो इसीलिए फिर हम बोले कि अब इधर से नहीं जाएंगे। वो मस्जिद सामने दिख रही है आपको, हरा पूरा मस्जिद दिख रहा होगा। तो हम इधर गए तो इधर पूरा पानी कचरा लगा हुआ था, तो फिर हम साइड साइड से निकल गए। आगे रोड पे देख ही सकते हैं पूरा अंधेरा हुआ, तो हम सोचे चलो आगे निकल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा गाड़ियाँ यहाँ पे लगी है, सिरका की एक और सिरका है फ्यूचर हॉरिजन कंपनी, और ये सब सऊदी लोग हैं जो आ रहे हैं अपने अपने गाड़ी से इधर नमाज ही पढ़ने। तो हम लोग तहज्जुद का नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो फिर हम यहाँ पे निकले रोड पे। तो फिर इधर भी बहुत सारा पानी लगा हुआ है, आप देख ही सकते हैं कितना सारा पानी लगा हुआ है। इधर भी बारिश कल से बहुत तेज़ आया, कल पूरा दिन में बारिश आया, सुबह ड्यूटी जाने के टाइम में भी 5 बजे भोर में भी आया। तभी करीब करीब 1:30 से 1 बज रहा है, 1:45 हो रहा है करीब। और हम ये ट्रक के साइड साइड से निकल गए, और यहाँ से हम सोचे हिल जाते हैं क्या उधर पानी के कचरे में जाएंगे। तो फिर हम यहाँ से आगे इस तरफ हिल जाते हैं, रेल गए। ये हमारी प्यारी खूबसूरत मस्जिद है जो कि हमारे कैंप से करीब करीब 100 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और हम चल दिए हैं, ये देख ही सकते हैं आप मेरे ना आगे ना पीछे कोई नहीं है, दूर दूर तक अकेला ही चलो। अल्लाह की राह में जाने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमारी खूबसूरत मस्जिद जो कि पीछे है। फिर हम मस्जिद में इंटर करते हैं, तो मस्जिद में आगे की लाइट है, पूरा अंधेरा था, थोड़ा डीप लाइट जल रहा था। फिर हम लोग गया, ज़्यादा आदमी नहीं था, करीब करीब 10-15 आदमी आया हुआ था, बाकी सऊदी कुछ थे और 2-4 आदमी हमारे कंपनी के कुछ कैंप में से आए हुए थे। बस देख ही रहे चप्पल देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना आदमी आया हुआ था, ज़्यादा नहीं था लोग। फिर हम इंटर किए और ये गए अंदर, मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो फिर इधर सऊदी लोग बैठा था, तो मैं मोबाइल ऑफ कर दिया कैमरा, कोई देखेगा तो बोलेगा क्या ये वीडियो बना रहा है। तो आप देख सकते हैं फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के करीब करीब 1:45-1:30 बज गया। तो उसके बाद हम निकले उधर से और निकल के हम चले रूम के तरफ। अब तो आप देख सकते हैं ये, फिर हम अपने कैंप के तरफ चल दिए हैं, और हमारे पीछे मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद को छोड़ के, और ये हम चल दिए अपने कैंप के तरफ। देख रहे हैं पूरा दूर दूर तक कोई सन्नाटा है, पूरा कोई नहीं रहता है, क्योंकि अब 1 रात बज रही है, 1:30 रात बज रही है, तो कौन रहेगा अभी, तो सब लोग सो ही जाता है।
और अल्लाह का रहम करम। देखिए कि आज मुझे इधर आना था, कल तो मैं सो के आ गया फिर भी, लेकिन आज तो पूरी रात ही नींद नहीं आई। मैं भी उठा, नहा धोआ के फ्रेश होके ही आया। फिर उसके बाद आने के बाद मैं सोचा सहरी खा लूँ, फिर सोचा नहीं थोड़ी सी सोने के बाद ही सहरी खाऊंगा, अभी खा के क्या फ़ायदा, फिर उठना ही है नमाज़ पढ़ने फजर के लिए। तो फिर ये हमारी कंपनी की सारी बसें पड़ी है, और ये हमारा ऊपर वाला ये सामने कैंप है जो कि हमने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है, और ये हमारी सारी कंपनी की बसें लगी पड़ी है। यहीं से निकलो ड्यूटी के लिए बैठो, अभी 5 दिन हमारा छुट्टी है, कल से पूरा छुट्टी छुट्टी है 5 दिन के लिए। संडे से पूरा हमारा ड्यूटी चालू होगा, और हमारा यहाँ पे ईद 10 तारीख को होने वाला है, तो आप सभी को सेवई खाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग ढेर सारा प्यार